तो सब्जी ले लिया ये एक कप्पी क्या। तो मैं स्कूल से आके अभी कर रही हूँ लंच। लंच में मैंने बनाया है राजमा। थोड़ी देर पहले मैं स्कूल से आई हूँ और धूप आई हुई है अच्छी। कल सुबह तो बारिश जैसा मौसम हो रखा था और आज धूप आई हुई है। और अभी थोड़ी देर मैंने पहले चावल खाए और बस बहुत दिनों के बाद चावल खाए, तो ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी मुझे थोड़ी देर बाद पढ़ाना है ट्यूशन और अभी मैं बाहर हूँ ये। और आज मेरा मन कर रहा है माल्टा खाने का, क्योंकि मैंने इस सीज़न में एक ही दिन माल्टा छान के खाया। तो अभी मैं बुलाती हूँ अपनी ननद को, अप्पी को, अप्पी आई हुई है तो उसके साथ माल्टा छोड़ते हैं। फिर ट्यूशन में काफ़ी टाइम हो रहा है। थाली नमक नमक भांग का नमक, भांग का नमक नहीं, हरा नमक पीस लेते हैं। हाँ मैं तब जगह इनको छेलती हूँ नमक। तो भी सही, मैं भी सो और मैं माल्टा सानती हूँ। तब तक ये माल्टा सान रहे, अब माल्टा जोर का माल्टा गिर गया हमारे हाथ से। और अप्पी जा रही है नीचे धनिया तोड़ने, दिखाते हैं आपको। अप्पी तोड़े वहाँ से धनिया, हम हरा धनिया का नमक पीसेंगे, उसी के साथ माल्टा खाएंगे सान के। तो अप्पी तोड़ी है धनिया, मैं तब तक माल्टा छिलती हूँ फटाफट 15 मिनट के अंदर, क्योंकि 15 मिनट बाद मुझे ट्यूशन पढ़ाना है। तो थाली लेते हैं यहाँ से, यहाँ से ले ली हमने बबरी थाली और अब जाते हैं बाहर। लगी है धूप में सानने में, फटाफट सानते हैं क्योंकि बच्चे आ जाएंगे। और नमक थोड़ा सा पीसा है, भांग का नमक होता तो और मजा आता, थोड़ा पीस लेते हैं। और मैंने माल्टा छान लिया है ये, और चाचू को दे दिया और कोई नहीं है, हम ही लोग खा रहे हैं, मस्त खा लेते हैं। हो रहा है, हम कहते भांग के नमक के साथ हरे धनिया में मस्त हो रहा है ना, अच्छा है। हरे धनिया में भी बहुत टेस्टी हो रहा है, पूरा खा लेते हैं। फिर बच्चे भी आने लग गया, फिर बढ़ाते हैं। तो प्लेट पूरी चट कर दिया हम दोनों ने मिलके, और अब कचड़ा उठाते हैं। वो खेत में देखो, वो पहचानते हो कि नहीं, बहुत सारी वीडियोस में दिखाई देती है। तो वो गोड़ रही है, जूम कर दिया है ये, यहाँ तो देखो जरा। तो वो क्या, वो लेसन गोड़ रही है वहां पे। बाय, ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ मैं। तो अभी मैंने ट्यूशन पढ़ा लिया है और मैं और अप्पी जा रहे हैं अभी सब्जी खरीदने, क्योंकि चाचू की दुकान में तो यहाँ सब्जी आई नहीं हुई है, तो हम आगे जा रहे हैं। तो अभी हम आगे पहुँच गए और हमको बहुत आगे जाना है, वहाँ तक आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से कहाँ चले जाना है। गाड़ी खड़ी है ना स्कूल की, येलो येलो कलर की, उससे भी आगे जाना है। तो हम घूम भी ले रहे हैं और चले भी जा रहे हैं। और वो सब्जी ले लिया ये, एक अप्पी के हाथ में और एक मेरे हाथ में। तो हमने सब्जी ले लिया, अब हम जा रहे हैं घर रोड में पैदल पैदल। तो जब घर पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हम आ गए हैं घर वापस और सब्जी जो वगैरह लाई थी उनको बाहर रख दिया, अभी थोड़ी देर में धो के इनको अंदर रख दूंगी। तो कोरोना की वजह से ऐसा करना पड़ता है। और अभी करेंगे हम डीएनए की तैयारी। तो फिलहाल अभी मैंने कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन बहुत अजीब जैसा हो रहा है, सर घूम रहा है मेरा, भयंकर सर दर्द हो रहा है। तो कॉफ़ी बना के कॉफ़ी पीती हूँ और थोड़ा किचन को साफ़ करती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि किचन थोड़ी मेसी टाइप की हो रही है, इधर उधर सामान फेंक रखा है। तो मैंने कॉफ़ी पी ली थी, उसके बाद मैं घी बनाई थी, तो घी में झाग बन रहा था। अभी अभी ये थोड़ा तो मतलब पूरा पकने लग जाएगा, थोड़ा सा मलाई पड़ी हुई थी बहुत पुरानी, तो मैंने कहा घी बना देती हूँ, क्योंकि ये कह रहे थे बहुत दिनों से गाजर का हलवा नहीं बनाया, तो गाजर का हलवा बना देना। तभी मैंने थोड़ा घी निकाल दिया था और यहाँ बना रही थी मैं गाजर का हलवा। और पता है क्या, आजकल ना टाइम भी नहीं मिलता कि क्या करो क्या ना करो, मतलब सोचती हूँ हाँ वीडियो बनाऊँगी लेकिन फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी असाइनमेंट लिखने में दिन चला जाता है, कभी किस कुछ करने में दिन चला जाता है, फिर चल भी नहीं पाती हूँ पता है। तो मैं जब आज सब्जी लेने गई ना, तब थोड़ा बहुत चल लिया, तब थोड़ा बहुत सेहत ठीक रहती है, और कुछ खाने को भी मन नहीं करता, टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी ये गाजर का हलवा मेरा बन गया, और आज मैंने दूसरे स्टाइल से गाजर का हलवा बनाया। पहले मैंने दूध उबाल लिया था, फिर उसमें गाजर डाले और बाद में घी डाला आज। तो ये वाला भी टेस्टी हो रहा था और अभी भी मैं खा रही हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है।
तो मेरा हलवा तैयार हो गया था, उसके बाद मैंने रोटी बनाई थी और सब्जी मैंने पहले बना ली थी, और पानी वाली सब्जी ना जो राजमा था वो थोड़ा बचा हुआ था तो पानी वाली वो खा ली थी, और सूखी वाली बीन्स की बना ली थी मैंने। और अब मेरे के पास थोड़ा बहुत टाइम था, ये आए नहीं हुए थे, तो मैंने कहा मटर छिलके रख देती हूँ, कभी कुछ बनाना होता तो फिर उस समय फटाफट बन जाता है। और वैसे भी ना आजकल दिन इतने बिजी जा रहे हैं कि कुछ टाइम ही मिलता, और ये अगला दिन है तो इनके लिए मैंने फ्रूट्स काट के रखे थे, इनको फ्रूट्स देने जा रही थी। और फ्रूट्स पे ना मैं काला नमक डालती हूँ, तो इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देते हैं, तो आपको मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।